हम जो साइकिल जाता पे आ रहे हर जिले में, ये गवर्नमेंट को शर्म होना। गवर्नमेंट सर्वेंट को जो सैलरी देते उससे ज़्यादा सैलरी देते, इनको बोले तो तुम्हारा कॉरपोरेशन है बोल के बोलते। यहाँ पे कॉरपोरेशन में कोई अंबानी नहीं है, 15-20 साल से नहीं है। जो डिक्टेटर है, जो चोर लोग है, उनका ऊपर नेगोशिएशन कर रहे बोले तो गवर्नमेंट को शर्म आना। आम लोगों को तुम्हारा वजह से जो कमजोर होते हैं वो इलेक्शन रिजल्ट में मालूम होते हैं आपको। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आप 7th पे कमीशन देने को जा रहे हैं, इन्हों 6th पूछ रहे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। स्टेट गवर्नमेंट 100% ओन्ड कॉर्पोरेशन है। आप हमारा चंद्रशेखर जो चंद्रू है, ये पूरा कर्नाटक का यूनियन का प्रेसिडेंट है। उन्होंने साइकिल जाता सारे कर्नाटक में क्यों निकाले बोले तो 2 साल से हम लोग होराट कर रहे। हमारा जो डिमांड्स है वो बहुत जिनाइन है और बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम सरकार का सेवे पे है। वी आर वर्किंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो बोर्ड कॉरपोरेशन है, ये कॉरपोरेशन है बोल के बोलते ना, ये जो KSRTC कॉरपोरेशन है, यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, प्राइवेट ओनर्स नहीं है। दिस हैज़ बीन ओन्ड बाय 100% कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट। अब कर्नाटक का वाटर बोर्ड है, कर्नाटक का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है, वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट को जो सैलरी देते उससे ज़्यादा सैलरी देते, इनको बोले तो तुम्हारा कॉरपोरेशन है बोल के बोलते। यहाँ पे कॉरपोरेशन में कोई अंबानी नहीं है, कोई प्राइवेट प्लेयर्स का यहाँ पे शेयर्स नहीं है, कर्नाटक गवर्नमेंट का है। हमारा जो डिमांड है गवर्नमेंट 6th पे कमीशन, उसको हम फुलफिल करना, क्योंकि हम जो साइकिल जाता पे आ रहे हर जिले में, ये गवर्नमेंट को शर्म होना। तुम इससे पहले जब लक्ष्मण चौधरी साहब KSRTC मिनिस्टर दिया था, उन्होंने वादा दिया था वी विल फुलफिल योर डिमांड्स बोल के, गवर्नमेंट उनका फर्ज निभाना उनका जिम्मेदारी है। इसलिए माय गवर्नमेंट को आई एम डिमांडिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स विच हैव बीन जिनाइन एंड वेरी रीजनेबल। हमारा जितना भी, यानी कि हमारा कल्याण कर्नाटक का जो प्रेसिडेंट है शौकत अली आलूर साहब, सबका डिमांड एक ही है, वी वॉन्ट गवर्नमेंट जो अश्योर करे वो फुलफिल करना। और एक चीज़, इलेक्शन से हम डरने वाला नहीं है। हमारा डिमांड में एक डिमांड है, वी वॉन्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यूनियन बोल के। गवर्नमेंट को शर्म आना, डेमोक्रेटिक सेटअप कहाँ पे जिला पंचायत तालुका पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट विल राइट टू इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस। यहाँ पे 15-20 साल से नहीं है। जो डिक्टेटर है, जो चोर लोग है, उनका ऊपर नेगोशिएशन कर रहे बोले तो गवर्नमेंट को शर्म आना। 99% जो वर्कर्स है वो हमारा कूट चंद्रू का लीडरशिप में है, उनका साथ नेगोशिएशन करके आप जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो 6th पे कमीशन है वो इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का फर्ज है, जिम्मेदारी है। ये नहीं हुआ तो, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप लोग सोचते 1,30,000 लोगों का वोट नहीं आए तो हम चुन के आते बोल के, गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक पब्लिक मूवमेंट है। मैं KSRTC का एम्प्लॉय नहीं है, शौकत अली साहब KSRTC का एम्प्लॉय नहीं है। वाई वी आर सपोर्टिंग दिस यूनियन बोले तो, ये एक पब्लिक सर्विस है, ये पब्लिक सर्विस है। आम लोगों को तुम्हारा वजह से जो कमजोर होते वो इलेक्शन रिजल्ट में मालूम होते आपको, उसको मौका मत दो। बसराज बोम्मई साहब का ऊपर हमको भरोसा है, उन्होंने एक पढ़े लिखे इंजीनियर है, उन्होंने भी एक एम्प्लॉय होके बाद में CM बनने वाला आदमी है। इफ़ यू हैव गॉट रेस्पेक्ट फॉर द वर्किंग क्लास, काइंडली अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ दीज पीपल एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट जो 6th पे कमीशन। हमारा चंद्रू बहुत रीजनेबल है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आप 7th पे कमीशन देने को जा रहे, इन्हों 6th पूछ रहे
क्योंकि ये लोगों का फर्ज है, जिम्मेदारी है, इतना करे तो खाली सारी के नौकर खुश नहीं होते, आम लोगों का सर्विस फुलफिल होते बोल के हमारा जो डिमांड है इसको बहुत जल्दी गवर्नमेंट फुलफिल करना बोल के मैं आई एनफोर्स द गवर्नमेंट थ्रू द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कलबुर्गी पे जितना भी हेजिटेशन हुआ सक्सेस हुआ, ये हेजिटेशन भी कलबुर्गी से सक्सेस होना बोल के मैं आशा करता हूँ। नमस्कार। ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರಿಗೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಏನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಳಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೌಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ವೇತನವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕನೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಂತಂದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ.